हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी तानी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं मुनगे और आलू की सब्ज़ी। तो तीन चार मुनगे लेंगे और हम लेंगे दो आलू। दोनों को अच्छे से छील के निकाल के इसे रेडी कर लेंगे। देखिए मुनगा को इस प्रकार से कट करना है फ्रेंड्स, तीन से चार उंगली ऐसे, और आलू को इस प्रकार से कट करना है। दोनों को इस प्रकार से कट कर लेना है। उसके बाद अच्छे से वाटर से उसे धो लेना है। उसके बाद हम पैन लेंगे, पैन में गैस को ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, एक प्याज डालेंगे, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सरसों और दो से तीन हरी मिर्च। उसके बाद हम तीनों को बारी बारी से जीरा, सरसों, प्याज और मिर्च को एक साथ डाल के इसे हम ब्राउन होते तक भून लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन, उसके बाद मुनगा को हम इसमें डाल देंगे, सहजन को। अब दोनों को अच्छे से रेड ब्राउन होते तक कुछ देर के लिए इसे भून लेते हैं। देखिए हमारा मुनगा जो है ब्राउन हो गया है। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ आलू को डालेंगे। देखिए अब सभी के एक साथ हम चम्मच चलाते हुए मीडियम आँच पे भून लेते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अब इसे हम ढक्कन लगाकर दो से तीन मिनट के लिए ढक देते हैं। भाप से हमारा मुनगा और आलू जो है अच्छे से पक जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसे भी हम ब्राउन होते तक भून लेंगे। जैसे हमारा मुनगा और आलू ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल के देखेंगे। देखिए कितना मस्त हमारा सब्जी जो है भाप से पक गया है फ्रेंड्स। सिर्फ हम दो चम्मच तेल से हम आपको बताएंगे सब्जी बनाकर। देखिए हम डालेंगे इसमें तीन से चार टमाटर, टमाटर काट कर रखा था हमने उसे डालेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से पकने देते हैं अंदर डालकर। देखिए इस प्रकार से हम टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं फ्रेंड्स ढककर। देखिए हमारा टमाटर जो है गलना स्टार्ट हो गया है। गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें, हाई करने पे नीचे तले में चिपकने लग जाएगा। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। देखिए नमक डालने से क्या है, जितने टमाटर में पानी छूटना रहेगा वो आ जाएगा। देखिए सिर्फ दो चम्मच तेल से हम आपको मुनगे और आलू की सब्जी बनाकर दिखाएंगे, जैसे घर में बनाए होटल जैसे सब्जी। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच मिर्च पाउडर और डालेंगे इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके चम्मच चलाते हुए इसे हम दो से तीन मिनट के लिए फिर से पका लेते हैं। देखिए कम तेल में भी हमारा सब्जी जो है होटल जैसे स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड्स। देखिए कितना मस्त हमारा सब्जी जो है कलर आ गया है। देखिए इसमें हम डालेंगे हल्का सा आधा गिलास जैसे पानी। देखिए पानी जैसे डालेंगे हमारा मुनगा जो है पकना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद हमारा मुनगा पक गया है। देखिए कितना मस्त दिख रहा है देखने में, होटल जैसे हमारा मुनगा बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।